हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा कि पीएनबी का अकाउंट किस तरह से ओपन करता है, वो भी घर बैठे। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कॉमेंट्स ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है पीएनबी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा पीएनबी का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे मेन्यू आपको दिख रहा होगा, मेन्यू करके यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेविंग अकाउंट। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना, यहाँ से क्लिक हेयर टू ओपन ऑनलाइन अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख जाता है सिलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहां से झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूं। आपका जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहां से आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो चलिए मैं यहां से धनबाद सेलेक्ट कर लेता हूं। देन यहाँ पे आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए ब्रांच में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी नज़दीकी ब्रांच है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ से धनबाद कतरास रोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोमेस्टिक। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो NRI पे क्लिक कीजिए। अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो डोमेस्टिक पे ही रहने दीजिए। देन यहाँ पे आपको अपना कस्टमर नाम सिलेक्ट करना होगा, कस्टमर मोबाइल नंबर और कस्टमर ईमेल आईडी। तो चलिए मैं इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये टिक मार्क कर देना है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ये कैप्चर कोड, यहाँ पे दिख रहा है ये कैप्चर कोड को यहाँ पे आपको इस बॉक्स में फिल करना है। तो चलिए मैं इसे फिल कर देता हूँ। तो मैंने इसे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है सबमिट। सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना TCR नंबर फिल करना होगा, जो कि आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है और ईमेल आईडी, उस पर एक TCR नंबर जाएगा आपके मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो चलिए मैं इसे फिल कर देता हूँ। तो मैंने इसे फिल कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। सिंपली आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और आप कौन सा अकाउंट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सेविंग फंड जनरल कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है कस्टमर टाइप। तो कस्टमर टाइप में आप जो भी चाहे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप पब्लिक हो या स्टेप हो या फिर साइनर सिटीजन हो या फिर अदर हो। तो चलिए मैं यहाँ से पब्लिक कर लेता हूँ।
देन यहाँ पे है एक्साइटिंग कस्टमर। अगर आपका इसमें ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तो येस करके आप यहाँ पे कस्टमर आईडी फिल कर दीजिए, और अगर आपने इसमें पहले से अकाउंट नहीं ओपन किया है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख जाता है नेम, तो जिसका भी आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे उसका टाइटल पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा, तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैंने अपना नाम फिल कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फादर या गारंटेड का नाम है जो कि आपको यहाँ फिल करना होगा। तो चलिए गारंटेड में अपना फादर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना फादर का टाइटल सेलेक्ट करना होगा, तो चलिए मैं यहाँ से अपना फादर का टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम फिल करना होगा, तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना फादर का नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो यानी कि यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, ना कि आपको अपना फादर का। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आप मेल हो या फीमेल। तो चलिए मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको दिख जाता है मदर नेम, तो सिंपली आपको अपना माता का नाम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपना मदर का नाम यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है एप्लीकेशन मेरिटियल स्टेटस, तो सिंपली आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड है या सिंगल, मतलब कि आप शादीशुदा है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से सिंगल कर लेता हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रिलीजन, तो रिलीजन में आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए आप हिंदू है या मुस्लिम। तो चलिए मैं यहाँ से हिंदू कर लेता हूँ, आप जो भी है क्रिश्चियन है या जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है कैटेगरी, सिंपली आपको राइट साइड में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एससी। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है आपको ऑक्यूपेशनल, सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशनल सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है एनुअल इनकम, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में क्लिक करना है और आपको एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है कि आप कितना कमाते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको थ्री बॉक्स दिख रहा है, ये आप इसे खाली भी छोड़ सकती है। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है पेन नंबर और यूआईडी नंबर, तो ये दो बॉक्स में आपको पेन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ अपना पेन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड और पेन कार्ड का नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नीचे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में नेशनैलिटी, तो सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से अपना नेशनैलिटी इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको दिख जाता है रेसिडेंटल, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा रेसिडेंटल इंडिया ही आप रहने दीजिए। उसके बाद है मोड ऑफ ऑपरेशन, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है स्पाउस नेम, तो अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे आप अपना स्पाउस नाम सेलेक्ट कर तो आप चाहे तो स्पाउस नाम छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे आपको अपना हाउस नाम या फिर फ्लैट नंबर या फिर बिल्डिंग का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद है स्ट्रीट नेम रोड लोकेटली, तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना होगा।
तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, धन्यवाद। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया पिन कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर आप छोड़ भी सकते हैं, एसटीडी कोड भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा और ईमेल आईडी। तो चलिए मैं इसे जल्दी से पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे फिल कर लिया है, उसके बाद चलते हैं अब नीचे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपका जो भी एड्रेस है इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं नीचे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन जो है कि उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल करके आपको दिखाऊंगा। तो पहला आपको यहाँ पे आइडेंटी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईडी नंबर, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आईडी प्रूफ एक्सपायरी डेट, तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है एड्रेस प्रूफ, तो सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है, तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने इसे फिल कर दिया है, तो चलिए मैं एक बार इसे पूरी सही तरह से चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से फिल किया है। तो मेरा जो है कि ये सब बिल्कुल राइट है, मतलब सही तरह से फिल हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ से इसे प्रोसेड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव एस प्रोसेड, तो यहाँ से मैं सेव एस प्रोसेड पे क्लिक कर देता हूँ। देन क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना माइनर डिटेल है जो कि फिल करना होगा। अगर आप 18 साल से कम हैं तो यहाँ पे आप अपना डिटेल जो है कि फिल कर सकते हो, अन्यथा आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो आपको इसे फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है नॉमिनी डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपना नॉमिनेशन है यानी कि अपना नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर आप इसे अभी नहीं ऐड करना चाहते हैं, बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो आपको चेकबुक को ब्रांच से ही रिसीव करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से चेकबुक लेना चाहता हूँ। तो चेकबुक के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का है विजिट ब्रांच टू रिसीव चेकबुक। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप मोबाइल बैंकिंग चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको आर दिख रहा होगा। अगर आप किसी अदर कंट्री में रहते हैं यानी कि इंडिया से बाहर, तो उसके लिए आपको जो कि चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ नहीं, मैं क्योंकि इंडिया में ही हूँ। देन उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव एस प्रोसेड, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा जो अकाउंट है इसमें ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो द फॉर्म इज सबमिट सक्सेसफुल, यानी कि मेरा अकाउंट जो है इसमें ओपन हो गया है। अब ये जो है आईडी प्रूफ और फोटो आपको ब्रांच में लेके जाना होगा, और साथ ही यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल गया। आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भी ब्रांच जा सकते हो, और जो आपको टीसीआर नंबर मिला है वो रेफरेंस नंबर आपको लेके जाना होगा आपको ब्रांच में। वो नंबर आपको मैसेज में या फिर ईमेल आईडी में मिल जाएंगे। और
यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो अकाउंट है ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इसमें मात्र आपको 500 रुपये लगेंगे फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने के लिए। तो उसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। वो प्रूफ जो कि आपको मात्र 500 रुपये ही लगेंगे फर्स्ट टाइम में आपको डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 500 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मात्र आपको 500 रुपये ही लगेंगे फर्स्ट टाइम में आपको डिपॉजिट करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो साथ में हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।